इंटरमीडिएट इंग्लिश चैनल पर खुश आमदेद। ये एक एजुकेशनल चैनल है। इस चैनल पर इंटरमीडिएट के इंग्लिश पेपर की मुकम्मल रहनुमाई और हेल्प वीडियोस की शक्ल में दस्तियाब हैं। हलशुदा 5 साल मारूजी पेपर्स की वीडियोस भी मौजूद हैं। इन वीडियोस को देखकर 90+ मार्क्स ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्रिफ्टी हाउस वाइव्स प्रिजर्व देयर होम ग्रोन वेजिटेबल। थ्रिफ्टी का मतलब है किफ़ायतशार, फ्रूगल। ये पहले ऑप्शन आ चुकी है हमारे पास एक पेपर में। थ्रिफ्टी के साथ फ्रूगल आई थी, पहली ऑप्शन दुरुस्त है। अब्दुलरहमान ब्यूटिफाइड दी सिटीज़ ऑफ हिज डोमेन। डोमेन का मतलब है हकूमत, किंगडम, बादशाहत। डोमेन का मतलब हकूमत, बादशाहत, किंगडम। दूसरे ऑप्शन दुरुस्त है। द राइटर लॉन्ग्ड डेस्परेटली फॉर अ ट्राईसाइकिल इन हिज चाइल्डहुड। डेस्परेटली का मतलब है बुरी हद तक, शिद्दत के साथ, बैडली। तो तीसरी ऑप्शन दुरुस्त है। क्रिस्टोफर न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब है बेहोश होना, ब्रेक डाउन। तो आखिरी ऑप्शन दुरुस्त है। चर्चिल इज़ बायस्ड इन फेवर ऑफ बॉयज लर्निंग इंग्लिश। बायस्ड का मतलब है झुकाव रखना, पार्शल। तीसरी ऑप्शन दुरुस्त है। मुस्तफ़ा कमाल वाज नॉट अ लीनियंट मास्टर। लीनियंट का मतलब है नरम, मेहरबान, काइंड। दूसरी ऑप्शन दुरुस्त है। नावल की तरफ आते हैं। मिस्टर चेप्स रिमेंड कंजर्वेटिव इन पॉलिटिक्स। कंजर्वेटिव का मतलब है दकियानूसी ख्यालात वाला, ऑर्थोडॉक्स। पहली ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट सेंटेंस है अ होल हॉलीडे वाज डिक्रीड। डिक्रीड का मतलब है हुक्मनामा, हुक्म दिया गया, ऑर्डर्ड। दूसरी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट है चिप्स हैड बीन एफ्लिक्टेड विद एन एक्यूट डिज़ायर टू डेप्रिसिएट हिमसेल्फ। एफ्लिक्टेड का मतलब है तकलीफ़ में मुबतला होना, पेंड। पेन का मतलब दर्द है, पेंड। तीसरी फॉर्म है पेन की। तो ये आखिरी ऑप्शन दुरुस्त है। चिप्स फेल्ट वेरी फिट एंड एक्चुअल वर्क वाज नॉट टैक्सिंग। टैक्सिंग का मतलब है थका देने वाला, टायरिंग। तीसरी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट प्रपोजिशन की तरफ हार्ड वर्क टोल्ड। टोल्ड के साथ अपान आता है, टोल्ड अपान हिज हेल्थ, बुरा असर डालना। ही डिड नॉट गिव इन आएगा जी। ही डिड नॉट गिव इन, हार मानना, हथियार डालना, एंड फॉर टू दी बिटर एंड। नेक्स्ट है व्हाट आर यू, व्हाट आर यू लुकिंग। लुकिंग के साथ फॉर आया करता है, लुकिंग फॉर। वी मस्ट अबाइड, अबाइड के साथ बाई इस्तेमाल हुआ करता है प्रपोजिशन। तो आखिरी ऑप्शन दुरुस्त है। द कार रैन ओवर अ चाइल्ड। रैन ओवर का मतलब कुचल देना, कार ने एक बच्चे को कुचल दिया, रैन ओवर। दूसरी ऑप्शन दुरुस्त है। ही टॉक्स नॉन सेंस ऑफन। ही टॉक्स नॉन सेंस ऑफन। ऑफन जो है गलत जगह पर है, तो ही ऑफन टॉक्स नॉन सेंस। तरतीब गलत है, फिक्रे की स्ट्रक्चर गलत है, तो सही स्ट्रक्चर है ही ऑफन टॉक्स नॉन सेंस। आखिरी ऑप्शन दुरुस्त है। हाउ मैनी कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल बजात खुद जमा है, इसके साथ एस लगाना गलत है। हाउ मैनी कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। हाउ मैनी कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। दूसरे ऑप्शन दुरुस्त है। हायर यू गो कूलर इट इज। ये भी पहले 2-3 दफ़ा आ चुका है। द हायर यू गो द कूलर इट इज। जितना आप बुलंदी पर जाएंगे ठंड बढ़ती जाएगी। तो पहली ऑप्शन दुरुस्त है। हायर से पहले भी दी लगेगा और कूलर से पहले भी दी लगेगा।
नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड दैट ही विल प्ले हॉकी। सेड के साथ दैट लगा हुआ है तो विल शैल जो है वुड में तब्दील हो जाता है, तो ही सेड दैट ही वुड प्ले हॉकी। दूसरी ऑप्शन दुरुस्त है इसकी। नेक्स्ट सेंटेंस है माय स्टूडेंट्स एज वेल एज आई एम वर्किंग। एज वेल एज का मतलब एंड भी हुआ करता है, यानी माय स्टूडेंट्स एंड आई, तो सब्जेक्ट हमारे पास जमा हो गया इसलिए आई के साथ आर आएगा, माय स्टूडेंट्स एज वेल एज आई आर वर्किंग। तो तीसरी ऑप्शन इसकी दुरुस्त है।